तो दोस्तों इस तरह का शॉर्ट्स बनाने के लिए आपको क्रिकेट वाला कुछ ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से ऐप की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पर जाके जो ऐप मैं कह रहा हूँ वो, ठीक है। यहाँ पर प्ले स्टोर पर जैसे आएंगे उसके बाद इस तरह से करके प्ले स्टोर पर सबसे पहले आपको सर्च करना है VIRBO, वीरबो AI। जैसे वीरबो AI लिखोगे आपको ये वाला ऐप इंस्टॉल करके रख लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऐप जो आपको ज़रूरत पड़ने वाला है वो है, आपको सर्च करना है इन शॉर्ट, ऐसे लिख देंगे इन शॉर्ट। तो ये वाला देखिए, ये न्यूज़ ऐप है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, प्ले स्टोर से। उसके बाद तीसरा ऐप की जो ज़रूरत पड़ेगी वो आपको सर्च करना है, यहाँ पर लिखना है गूगल लेंस। जैसे आप गूगल, यहाँ पे गूगल लिख के गूगल लेंस लिखोगे वैसे ही यहाँ पर ये वाला ऐप आ जाएगा। तो आपको ये तीन ऐप को इंस्टॉल करके रख लेना है। तो चलिए उसके बाद आगे का प्रोसेस समझ लेते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको इन शॉर्ट्स ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा था उस ऐप को ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर आपको ढेर सारे न्यूज़ दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल करते जाओगे यहाँ पर आपको सरकाना है जब तक आपको क्रिकेट न्यूज़ ना मिले। तो दोस्तों देखिए क्रिकेट न्यूज़ आ गया। जैसे क्रिकेट न्यूज़ आपको दिखाई दे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिए हरभजन सिंह क्रिकेट से रिलेटेड है तो वो क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए आगे का प्रोसेस समझ लेते हैं। अब ये जो न्यूज़ का स्क्रीनशॉट है, चाहे तो इसको आप अपने आवाज़ में पढ़ के रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप अपनी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड कर सकते तो चलिए आपको दिखाते हैं आपको आवाज़ कैसे बनानी है न्यूज़ को आवाज़ में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर आप अपने आवाज़ में पढ़ लोगे इस न्यूज़ को, रिकॉर्ड कर लोगे ऑडियो, तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर नहीं कर पाते हो आप आवाज़ रिकॉर्ड, तो चलिए उसका भी सलूशन है मेरे पास, चलिए आपको दिखाते हैं। अगर आप अपना आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आपको यहाँ पर आना है गूगल क्रोम पे, ठीक है। सबके मोबाइल में गूगल क्रोम होता है, तो यहाँ पर क्रोम को हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। न्यू टैब पे आने के बाद यहाँ पर आप सर्च करेंगे 11 लैब्स। जैसे 11 लैब्स सर्च करेंगे पहली वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर अपना ईमेल से आप लॉगिन कर लेना, एक ईमेल से 10,000 वर्ड्स आपको मिलते हैं क्या नाम है ऑडियो बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर पहले से लॉगिन करके रखा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद ये कुछ ओपन करने में टाइम लगेगा। टाइम लगने के बाद देखिए यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। तो इसके बाद जैसे 11 लैब्स में आईडी बना लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज़ करके आपको जाना है गूगल लेंस ऐप जो मैंने डाउनलोड आपसे करवाया था ना, तो उस पर आपको जाना है गूगल लेंस पे। जाने के बाद ठीक है, गूगल लेंस पे जैसे आप जाओगे तो जो भी आपने न्यूज़ स्क्रीनशॉट लिया था तो वो न्यूज़ कॉपी कर लेना। कैसे करना है, जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे गूगल लेंस खोलोगे आपको आपका गैलरी की फ़ोटो दिख जाएगी। तो आपने जो इन शॉट से जो न्यूज़ का स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पर नज़र आएंगे। तो मैं ये वाला स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है। ये वाला स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो सारा न्यूज़ आप यहाँ पर कॉपी कर लोगे। इसके बाद खींच के इस तरह से इसको एडजस्ट करके पूरी न्यूज़ को ऐसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको कॉपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको बंद करके आपको वही 11 लैब्स पर वापस आना है और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप कुछ चेंजेस जो मतलब शब्द चेंज करना चाहते हो, कुछ गलत अगर आ लिख गया हो तो उसको सही करना चाहते हो तो कर लो। तो मैं यहाँ पर सही कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने क्या नाम है सारा टेक्स्ट सही कर लिया जो गलत सही था। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए एडम लिखा होगा, ठीक है। एडम वाले पे जो लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ढेर सारी वॉइस मिल जाएगी, ठीक है। आपको जिसका आप सुन लेना, जिसका वॉइस आपको पसंद हो वो वॉइस सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल मेरा फेवरेट है डैनियल, मैं डैनियल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जनरेट स्पीच पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। जैसे जनरेट स्पीच क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा देर लेगा। उसके बाद ये आपका न्यूज़ को बोलने लगेगा। ये देखिए, प्रारूपों में खेलना चाहता हूँ, भारतीय टीम के T20 कप्तान सूर्य। तो दोस्तों देखा यहाँ पर आवाज़ बन गई है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए नीचे देखिए कैरो का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप ऐसे इसको डाउनलोड कर दोगे तो ये आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको जाना है वीरबो ऐप जो मैंने आपको डाउनलोड करवाया था उस पर जाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीरबो ऐप पर चले जाते हैं, ठीक है, उसको ओपन कर लेंगे। देखिए ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आता है। उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक अकाउंट से आप 30 सेकंड की 4 शॉर्ट्स बना सकते हो एक ईमेल आईडी से, और 1 मिनट की 2 शॉर्ट्स बना सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर ईमेल अपना बनाते जाइएगा और
जैसे ही क्या नाम है 2 मिनट का ख़त्म हो जाए, 4 रील बन जाए या 2 रील बन जाए, लिमिट ख़त्म हो जाए, वैसे आप दूसरे ईमेल से अकाउंट बना लेना। एकदम बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस ईमेल डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है। ईमेल का पासवर्ड नहीं चाहिए, ओटीपी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए होता। लेकिन ऐसा नहीं कि ईमेल आप डाल दोगे तो आपके में ओटीपी आएगा, उसको डालना पड़ेगा, कुछ नहीं। बस आपको ईमेल चाहिए, कहीं से भी ईमेल उठा लेना, यहाँ पर पेस्ट कर देना, क्योंकि ईमेल पे ओटीपी नहीं जाता है। सिर्फ ईमेल डाल के, पासवर्ड डाल के आप यहाँ पर अकाउंट बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना ईमेल यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर कोई भी आप पासवर्ड अपना अपने मन से कोई भी पासवर्ड बना लेना, तो मैं ऐसे बना लेता हूँ। बनाने के बाद यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट अकाउंट क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, जैसा आपका इंटरनेट उस हिसाब से। तो यहाँ पर जैसे अकाउंट बन जाता है, कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। तो आपको नीचे से सेकंड नंबर पे आपको AI अवतार का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन देगा, उसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए पॉपुलर के सामने सीऑल का बटन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सीऑल के बटन पर आप क्लिक करोगे, नीचे साइड आओगे, यहाँ पर आपको ये देखिए ये वाला एक न्यूज़ वाला ये वाला बिल रहा है ना, दिख रहा है इंटरफेस, इसको आप क्लिक कर देना है। इसको जैसे आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जैसे ही इस तरह से हो जाएगा तो यहाँ पर नेक्स्ट करते जाना, जो जो ऑप्शन बोल रहा है उसको सेलेक्ट करते जाना, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके सब कुछ करने के बाद यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन देगा, वो करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा कुछ दिखाई देगा। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ नीचे जो ऑप्शन है इसको लेफ्ट साइड स्क्रॉल करना है, यहाँ पर म्यूज़िक का ऑप्शन दिख रहा है, तो म्यूज़िक पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए ये जो इन यूज डिपार्चर म्यूज़िक लिखा हुआ है ना, तो इसको आपको डिलीट करना है, क्योंकि इसका म्यूज़िक है आपको कॉपीराइट आ सकता है। तो इसको हम लोग यहाँ डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट करने के बाद फिर बैक बटन पे आ जाएंगे। उसके बाद ये जो लड़की बनी हुई है इस पर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपने लड़का का आवाज़ बनाया है, अगर आप लड़का हो तो आप लड़का के आवाज़ बनाया है, लड़का हो तो आपको लड़का करेक्टर सेलेक्ट करना है। अगर आप लड़की के आवाज़ बनाए हो और लड़की हो तो लड़की करेक्टर सेलेक्ट करना है, जैसा आपका आवाज़ है वैसा ही करेक्टर सेलेक्ट करना है। अगर आपका आवाज़ लड़की का है तो लड़की सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और लड़का है तो लड़के का सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही ये लड़की है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए नीचे एक ऑप्शन खुला है चेंज अवतार, चेंज अवतार पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए ढेर सारे करेक्टर आ जाएंगे। तो आपको जो करेक्टर पसंद हो आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर मेरा फेवरेट ये वाला है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने ले लिया, देखो। लेने के बाद उसके बाद इसको टिक के बटन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देने लगता है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको योर टाइटल का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर टच करना है। टच करने के बाद कट के निशान पर करके इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सब यहाँ पर क्या नाम सब टाइटल लिखा हुआ है ना, इन लंबा लंबा, उस पर टच करना है। उसके बाद इसको ऊपर उंगली से पकड़ के ऊपर ले आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉन्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, फॉन्ट्स का ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी फॉन्ट्स आपको पसंद हो सब टाइटल का वो आप सेलेक्ट कर लो। तो मेरा ये वाला फेवरेट है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं, आप जो भी सेलेक्ट करोगे आप ले सकते हो। तो मेरा ये वाला फेवरेट है, मैं इसको रखने देता हूँ, फिर टिक के निशान पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर जोनाथन डोई जहाँ लिखा है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर फिर नीचे फॉन्ट्स का ऑप्शन देखे तो उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये जहाँ जोनाथन डोई लिखा है उस पर टच करना है। उसके बाद इसको इरेज करके यहाँ पर आपका जो भी चैनल का नाम है, इंस्टाग्राम पेज का नाम है, जो भी आप जहाँ डालना चाहते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब, तो उसका नाम लिख लेना है। तो मेरा तो चैनल का नाम है, तो मैं लिख लेता हूँ अपने चैनल का नाम क्विकडम, उसके बाद टिक पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे रिकॉर्ड का ऑप्शन क्लिक करोगे यहाँ पर ढेर सारा लैंग्वेज आपको दिखाई देगा। तो आपका जो ऑडियो आपने बनाया था या अपना ऑडियो जो रिकॉर्ड किया था वो किस भाषा में है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा हिंदी में है तो मैं हिंदी ले लेता हूँ, उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर दूँगा। जैसे कन्फर्म क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर इम्पोर्ट वीडियो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इम्पोर्ट वीडियो दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर अपलोड ऑडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, वो अपलोड ऑडियो पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपके गैलरी में आपको लेके जाएगा, ठीक है, जहाँ भी आप डाउनलोड जहाँ भी अपना आवाज़ रखे हो रिकॉर्ड करके या डाउनलोड करके वो वाले फाइल पे ले आएगा। तो यहाँ पर जो भी आपका आवाज़ आपने वहाँ पे बनाया था या आपने अपने मुंह से रिकॉर्ड किया था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर वो वाला रिकॉर्ड ये है मेरा, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप सेलेक्ट करोगे ऑडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा, कुछ समय लेगा उसके बाद ऑडियो अपलोड हो जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम अपलोड ना हो तो सेकंड टाइम दोबारा ट्राई करना, सेकंड टाइम में जरूर अपलोड हो जाएगा। नॉर्मली फर्स्ट टाइम पर हो जाता है, कभी कभी नेटवर्क वजह से सेकंड टाइम पर करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम पर अपलोड हो रहा है, अब ये टाइटल बना रहा है, देख ले प्रोसेसिंग लेगा।
प्रोसेसिंग लेने के बाद जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा ऑडियो अपलोड हो चुका है, सबटाइटल भी देख के लिख के आने लगा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आप पीछे देखिए वो बॉक्स दिख रहा है उस पर एक प्लस का निशान छोटा सा दिख रहा है, उस बॉक्स के बीच में आप कहीं भी टच कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ टच कर देता हूँ, टच करने के बाद यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ कर देना है, अलाउ करना है, फिर यहाँ पर अलाउ ऑल कर देना है। उसके बाद आपकी गैलरी खुल जाएगी, तो जहाँ पे आपने वो न्यूज़ रखा था, ठीक है, वो न्यूज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो मेरा ये स्क्रीनशॉट था न्यूज़ का, तो मैं ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और इस स्क्रीनशॉट में जो फोटो है उस उंगली से आपको खींच के ये जो बॉक्स है उसको फोटो को इस बॉक्स के बीच में ले आना, जो बॉक्स बना हुआ है इसको खींच के बॉक्स के बीच में ले आना है, ठीक है। उंगली से एडजस्ट भी करते हैं, तो एडजस्ट होने के बाद उसके नीचे आपको कन्फर्म का बटन दिख रहा है, कन्फर्म के बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका यहाँ पर देखिए वीडियो ये फोटो पीछे लग जाएगा, ठीक है। अब फोटो लग जाएगा, उसके बाद इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर आपको एक्सपोर्ट का बटन दिख रहा होगा साइड पे कॉर्नर पे, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपका एक्सपोर्टिंग होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेता है ये, तो इसका प्रोसेस टाइम है, तो उसको प्रोसेस होने के बाद हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बनाने में थोड़ा सा टाइम लेगा, 3-4 मिनट में बना के दे देता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग कर रहा है, जैसे प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है उसके बाद आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। देखिए वीडियो ये बना रहा है, 4-5 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पर वीडियो प्रोसेसिंग पूरा हो गया, वीडियो बन चुका है, उसमें फाइनल टच भी देना बाकी है। तो हम लोग वीडियो के ऊपर टच करेंगे, कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद जैसे ही ये ओपन हो जाएगा वीडियो, उसके अंदर यहाँ पर देखिए सेव टू एल्बम का ऑप्शन है, इसको सेव टू एल्बम पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये आपके एल्बम में डाउनलोड हो जाएगा। अभी दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेस बचा है, इसको और बेहतर बनाना है वीडियो को दोस्तों, तो और बेहतर बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद इसको हम लोग बंद कर देंगे, इस ऐप का काम ख़त्म। उसके बाद एक ऐप आपको चाहिए यहाँ पर, वो है पावर डायरेक्टर। आपको यहाँ पर सर्च करना है पावर, ठीक है, पावर डायरेक्टर। जैसे ही सर्च करोगे ये ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है, मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, और अभी जो भी एडिटिंग ऐप से आप एडिटिंग करते हो वो भी रख सकते हो, मैं पावर डायरेक्टर से आपको सिखा रहा हूँ। तो उसके बाद पावर डायरेक्टर ओपन करेंगे, जैसे ही पावर डायरेक्टर ओपन होगा उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करोगे, यहाँ पर आप शॉर्ट्स बना रहे हो तो 9.16 का क्लिक करोगे, उसके बाद ओके पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपका गैलरी खुल जाएगा, गैलरी में जो आपकी वीडियो थी वो वाली उसको आपको ले लेना है। तो ये हमारी वीडियो है वीरबो वाली, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद टिक पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही टिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा सा ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो पर टच करना है। टच करने के बाद इसका वॉल्यूम जो है आपको 200 कर देना है, ठीक है। उसके बाद ऑडियो मिक्सिंग में भी इसको सब फुल करके रख देना है, ठीक है, दो चीज़ कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट स्क्रॉल करना है नीचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए सबसे पहले ब्राइटनेस पर टच करेंगे, ब्राइटनेस को हम लोग कर देंगे 9 या 10 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कंट्रास्ट को भी 9 या 10 रखेंगे। उसके बाद सैचुरेशन जो है उस पर क्लिक करेंगे, इसको हम लोग 151 कर देंगे, ठीक है। वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने का सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, 151। फिर उसके बाद ये सब जो है इसको सबको 2-2 पॉइंट बढ़ा देना है। उसके बाद जितने भी ऑप्शन है सबको 2 या 3 पॉइंट बढ़ा देना है। तो मैंने 103 कर दिया, इसको 50 से 52 कर दिया, इसको 50 से 52 कर दिया, 2-2 पॉइंट बढ़ा देना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद शार्पनेस पे क्लिक करके यहाँ पर इसको 9 या 10 रखना है, ठीक है। 9 करने के बाद यहाँ पर इसको स्क्रीन पे टच कर देना है। तो दोस्तों ये देखिए कुछ क्वालिटी बढ़ गई है वीडियो की। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबसे पहले उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको कोई भी टेक्स्ट ले लेना है। तो ये ब्लैक वाला मैं ले लेता हूँ, ब्लैक वाला लेने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है ब्लैक वाले पे। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है, वो जो स्क्रीनशॉट आपका था जो गूगल लेंस से आपने कॉपी किया था न्यूज़ का, वहाँ पे चला जाना है गूगल लेंस पे फिर से। और फिर ये इसका जो सबसे हुकिंग टाइटल है ना, टाइटल में जैसे हुक पॉइंट है उसको आपको क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मैं ना, तो यहाँ पर मुझे हुक लाइन ये लग रहा है, तो इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ हुक लाइन, ठीक है। उसको कॉपी करने के बाद उसके बाद वापस आ जाएंगे हम लोग अपने ऐप में, फिर उसको यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ऐसा कुछ दिखाई देगा, उसके बाद यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन दिख रहा है ना बी करके, उस पर टच कर देंगे ताकि टाइप थोड़ा सा मोटा हो जाए दिखने वाला, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, करने के बाद आपको यहाँ पर
इसका ये देखिए डिजाइनर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डिजाइनर का ऑप्शन नीचे साइड, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इसको हम लोग वाइट में कर लेंगे। तो वाइट हम लोग उसको ले लेंगे, ठीक है। वाइट में लेने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको बॉर्डर पे, ये देखिए बॉर्डर का ऑप्शन दिख रहा है, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ब्लैक सेलेक्ट करेंगे, कुछ ऐसे टाइटल ब्लैक कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे टाइटल को। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग कट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको बैकड्रॉप का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है, इनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ब्लू कलर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके यहाँ पर रेड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप रेड ऑप्शन सेलेक्ट करोगे कुछ ऐसा दिखाई देगा, उसके बाद बैक आ जाओगे, उसके बाद उसको नीचे की तरफ करोगे, इसको अपनी उंगली से इसको एडजस्ट करके बराबर तरीके से इस तरह से पेस्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद ये इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे नीचे जो भी आपका टाइटल है, फिर इस टाइटल पर टच करके इसको हम लोग वीडियो के बराबर कर लेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद वीडियो पर क्लिक करके आप यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट स्क्रॉल करना, जो वीडियो का ऑप्शन है यहाँ पर आपको स्पीड का ऑप्शन दिख रहा है, स्पीड को आपको 105 कर देना है 100 से, ठीक है। 1 से 1.05 कर देना है, क्योंकि तब स्पीड बढ़ जाएगी तो अच्छा लगेगा वीडियो। उसके बाद इसको टाइटल को उसको हिसाब से बराबर कर देना है। उसके बाद फिर एक बार फिर टेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर से वही बीच वाला ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही टेक्स्ट पर आएगा बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर फिर हमको यहाँ पर वो पूरा टाइटल कॉपी करना है। वही गूगल लेंस पे जाके जो यहाँ था हमने आधा हुक लर्न किया था, अब ये पूरा जो पर टाइटल है इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर ऐप पे आएंगे, फिर यहाँ पर इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, फिर बोल्ड का ऑप्शन से करके बोल्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको हम लोग इसका पैराग्राफ यहाँ से चेंज कर देंगे ताकि ये बराबर में एडजस्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ बीच में अलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद टिक पे क्लिक करके इसको एरो को पकड़ के हम अपने उंगली के हिसाब से इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है। अपने स्क्रीन के हिसाब से आप छोटा कर लेना। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा कौन सा, डिजाइनर का। फिर यहाँ पर आपको इसको भी वाइट कर लेना है। वाइट करने के बाद फिर सेम तरीके से प्रोसेस करना है जैसे बॉर्डर का मैंने बताया था, इसका बॉर्डर को डार्क कर लेना है जैसे मैंने पहले वाले टाइटल में बताया था। वैसे करने के बाद फिर यहाँ पर देखिए बैक टू आपको ऑप्शन दिखाई देगा, बैक टू ऑप्शन से क्लिक करके, ठीक है, इसको इनेबल कर देंगे। और फिर ये कलर पर सेलेक्ट करके इसको हम लोग रखेंगे कौन सा कलर, ब्लू ही रखने देते, इसको ब्लू ही अच्छा लग रहा है तो ब्लू ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आई एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके थोड़ा सा ये जो यहाँ पर ऑप्शन है किनारे क्लिक करके इसको थोड़ा सा स्पेस ऐसे कर देंगे 4-5 बार। फिर सूर्य कुमार जहाँ से ख़त्म हुआ है वहाँ पर भी 3-4 बार ऐसे कर देंगे। उसके बाद इसको एरो से उंगली से ऐसे पकड़ के इसको एडजस्ट करके ऊपर साइड यहाँ पर ऐसे इसके हिसाब से बराबर करके लगा देंगे, ठीक है, जैसा भी यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बराबर नहीं है, तो क्लिक करने के बाद ये जो इसको है ये चीज़ें थोड़ा बीच में ले आते हैं स्पेस कर करके। ये देखिए एकदम बीच में आ गया है थोड़ा सा ऐसे, तो ये टिक पर क्लिक कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, फिर इसको हम लोग इसको उंगली से पकड़ के इसको इस हिसाब से बराबर इसके कर देंगे, ठीक है। तो इतना काम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक YouTube से नॉन कॉपीराइट कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक जो आपको पसंद है YouTube पर सर्च करना, नॉन कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑडियो पे जाके म्यूजिक पे जाके तो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक वहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने पहले से कॉपीराइट फ्री यूट्यूब से डाउनलोड करके रखा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। आप जाके YouTube पे सर्च करोगे नॉन कॉपीराइट म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन है जो मेरा, ये देखिए ये मैंने डाउनलोड करके रखा है, मैं इसको ले लेता हूँ। लेने के बाद उसको आपको क्या करना है, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड और साउंड आ रहा होगा दोस्तों, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको जैसे कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे म्यूजिक का जो एक्स्ट्रा पार्ट है जैसे आ गया, तो ऐसे टच करके यहाँ पर स्प्लिट का ऑप्शन दिख रहा है ना, स्प्लिट पर क्लिक करके ऊपर डिलीट का ऑप्शन करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। उसको उंगली से इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो म्यूजिक का म्यूजिक पर टच करेंगे बैकग्राउंड म्यूजिक पे, इसका वॉल्यूम जो है हम लोग केवल 5 या 7 रख देते हैं, ठीक है। 7 इसका हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक 7 या 8 रख देंगे। उसके बाद ये देखिए दोस्तों पूरा काम हम लोग का हो गया। उसके बाद इसको हम लोग ऊपर एरो का बटन दिख रहा है, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर प्रोड्यूस एंड शेयर पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर ये फुल HD पे क्लिक करके प्रोड्यूस पे क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोड्यूस करेंगे ये आपके गैलरी में
सेफ होने लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, और जो भी क्रिकेट का शॉर्ट्स बनाना चाहता है इस तरह से न्यूज वाले, उसको शेयर कर देना वीडियो। तो हम लोग का जैसे ही 100 होगा ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 72 हो गया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हो चुका है, डन पे क्लिक करके। अब आपको हम लोग अपने गैलरी में इसको दिखा देते हैं। वीडियो हम लोग का आ चुका है गैलरी में, तो ये देखिए ये हमारा गैलरी, और यहाँ पर ये रही वीडियो, देखिए कितनी अच्छी बनी है। मैं खेलना चाहता हूँ भारतीय टीम के T20 कप्तान सूर्य कुमार। भारतीय T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा है कि वह भारत के लिए तीनों प्रारूपों में खेलना चाहते हैं। गौरतलब है उन्होंने आखिरी बार वनडे पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। सूर्य कुमार की कप्तानी में भारत ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज को 3-0 से जीता था।